ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और अपना आज का लेक्चर जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, जहाँ तक हम लोग देख चुके थे, ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एमोनिया ये देखा है। चलो यहाँ पे हम देख रहे थे ये रिएक्शन को, सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये इसका ये 5 मोल हम लोग लिए हुए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक लिए हुए थे, ठीक है, इसके प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाता है। तो बेसिकली ये रिएक्शन इनिशिएटिंग किया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है, बनता क्या है यहाँ पे सोडियम सिंकेट, ये जो है सोडियम सिंकेट जो है आपको बनता हुआ नजर आएगा, साथ ही साथ अमोनिया यहाँ पे मिलेगा, और ये सब का सब जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी पास में ध्यान रखना है, रेडॉक्स फैक्टर तो इतना आ रहा है इसका 6, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा इसका 2 आएगा, ठीक है। अब इस वाला रिएक्शन को दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा वाले में 7 लिए हुए हैं, 7 मोल एनएमएच लिए हैं, यहाँ पे इसका एन फैक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, 8, और इसका कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कंप्लीट जो है वो दोनों, ये वाला रिएक्शन हो जाए या ये वाला कंप्लीट, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन बस ये वाला मेनली खास करके याद रखना है, नाइट्रेट हो या फिर नाइट्राइट हो, ठीक है, ZN और अब यहाँ सेम ये यही में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्राइड किसके प्रेजेंस में है, NaOH के प्रेजेंस में क्या निकल रहा है, अमोनिया और, ठीक है, NaNO2। अब इसमें यदि हम लोग ZnNaOH डालें तो बाहर क्या निकलेगा, अमोनिया, फिर से ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये बना, और इसमें फिर से यदि हम लोग ZnNaOH डाल देंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, अमोनिया जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है। अब इंडस्ट्रियल मेथड की यदि हम बात करें तो इंडस्ट्रियल मेथड में क्या है, अपना सबसे पहले क्या देखना है, हैबर्स प्रोसेस, तो हैबर्स प्रोसेस काफी फेमस है, बीबीआई भी है, ये बार बार रिपीट होकर के आपके सामने आते रहेगा, ठीक। अब इसमें N2+ क्या होगा, H2, ठीक है, मिलकर के क्या बनाते हैं, NH3 बनाते हैं, और इसमें जो है खास करके ये जो है ये एमोनिया के लिए सबसे बेटर है, मतलब कि बेटर ऑफ एमोनिया जो है ये माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जरा सा कि डेलेज जो होता है यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होता है, डेलेज क्या रहेगा, निगेटिव होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, हैबर्स प्रोसेस काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है, N2+3H2 क्या बनता है, NH3 का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे जो है आपका डेलेंजी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी लिखा हुआ है, डेलेंजी जो क्या है वो आपका निगेटिव, ठीक है, डेलेंजी निगेटिव, अब डेलेंजी निगेटिव होने का, डेलेंजी जो निगेटिव है इसका मतलब क्या बता रहा है, तो इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर, अच्छा खास बात एलएनजी या निगेटिव है तो पार्शियल प्रेशर जो है, ठीक है, सॉरी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर यहाँ पे है काफी ज्यादा, और हाई प्रेशर होता है 200 atm, यानी यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है ये 200 atm, ठीक है, और साथ ही साथ जो लो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर पे होता है, हाँ, लेकिन ये लो टेम्परेचर किसी के रेस्पेक्ट में है, और यहाँ पे जो लो टेम्परेचर यूज करता है वो कहता है यहाँ लो टेम्परेचर जो है वो मिनिमम जो टेम्परेचर चाहिए वो 500 डिग्री सी चाहिए, कितना चाहिए, 500 डिग्री सी, 500 डिग्री सी एज कम्पेयर टू, हमारा ये भी बात करें या फिर लिखा रहेगा 770 डिग्री चाहिए, ये काफी ज्यादा है, लेकिन एज कम्पेयर टू यदि हम बात करें किसी दूसरे रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, ये 500 डिग्री सी क्या बोलता है, मिनिमम कहता है, कहने का मतलब है कि यदि हम 500 डिग्री सी के यदि हम नीचे चले जाए तो देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया, एमोनिया का प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए अपने को, 500 डिग्री सी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो गैस है अमोनिया किससे बन रहा है बेटा, N2 से, किससे बन रहा है N2, और N और M के बीच में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण और साइज छोटा होने के कारण नाइट्रोजन का इनका बॉन्ड डिसोसिएशन इनका होता है बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण सबसे पहले तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा, जिसमें जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो मिनिमम 500 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर इतना चाहिए होता है, और कैटलिस्ट क्योंकि केवल और केवल इतना टेम्परेचर देने से भी काम नहीं चलता, वो कैटलिस्ट भी देना पड़ेगा, कैटलिस्ट विच इंक्रीज द इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इनहांस करेगा, बढ़ाएगा, और खुद प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पर आयरन ऑक्साइड का लेते हैं,
बाद यदि दूसरा हम बात करें तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से भी बनता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कैल्शियम ऑक्साइड सी और एन टू रहेगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर बाहर के निकल जाएगा, सीओ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कैल्शियम साइनामाइड का। इम्पोर्टेंट है, आता है, उठता है, कैल्शियम साइनामाइड बन जाएगा। और कैल्शियम साइनामाइड बेसिकली क्या होता है, सीए प्लस टू और सीए एन टू, ये साइनामाइड आयन। ध्यान रखिए साइनामाइड आयन इसका स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, परेशान कर देगा। इसका स्ट्रक्चर तो होगा पूरी तरीके से होगा, एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन होगा और थीटा यानी बॉन्ड एंगल इसका एक होता है। ठीक है, आईडी पूछा हुआ है कैल्शियम साइनामाइड हाइड्रोलिसिस कर रहा है, वाटर वाटर के साथ रिएक्शन क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और NH3 नजर आए। ठीक है, उसके बाद एक होता है ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट एमोनिया। ठीक है, ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट एमोनिया मिक्सचर है, उसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट और एक जो पढ़ते हैं कॉम H2SO4। ठीक है, कॉम P4O10। ठीक है, एनहाइड्रस CaCl2 इस्तेमाल खास करके होता है एनहाइड्रस। ठीक है, एनहाइड्रस यहाँ पे ये ड्राइंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे और क्या बना देंगे, NH3 ट्राई जो है वो तक कर। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे कि जितने भी ऑल द अबव कांट बी यूज एज अ ड्राइंग एजेंट। ठीक है, ड्राइंग केमिस्ट्री ये चीज ध्यान में रखेंगे, ऑल द अबव कैन नॉट बी यूज एज अ ड्राइंग। तो ये जो कहने का मतलब है मेरा, अभी जो हम लोग क्या बताएं, ये आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर बताएं कौन कौन सा, कौन H2SO4 P2O10। ठीक है, कैल्शियम CaNH2, ये जनरली डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, लेकिन इसमें यानी कि अमोनिया वाले में जो है हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर सभी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ये वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो हम लोग किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब किस तरीके से हम लोग इसको ड्राइंग करेंगे वो समझे। तो सबसे पहले NH3 H2SO4 के साथ रिएक्शन बनता क्या है, इसको अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो है अमोनिया जो है वो बेस की तरह है, H2SO4 हो जाए चाहे एसिड की तरह, लेकिन अब P2O4 आया है, क्या एसिड और ये क्या फिर से वही बेस रिएक्शन होगा, वाटर भी रहेगा, बनाएगा क्या फॉस्फेट। अब ये जो दोनों है यानी कि यहाँ पे P4O10, ठीक है, मैकेनिज्म का क्या होता है, P4O10 6 वाटर क्या बन गया 4। ठीक है, H3PO4 ये एक्ट एज एसिड, ये एक्ट एज बेस क्या बन गया, अमोनियम फॉस्फेट ये बन गया, यानी कि अमोनियम CaCl2 यहाँ पे नजर आएगा। अच्छा, इसका यदि हम रिएक्शन करवा दें अमोनिया के साथ, यदि हम इसका रिएक्शन करवाएं डायरेक्ट, तो क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ना, इसको ट्राई बनाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, क्विक लाइम होता है, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं ड्राइंग एजेंट की तरह, लेकिन ये ठीक है, ये क्या होगा, ये ड्राइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर CaOH का होल्ड पर ये बनता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो कलरलेस गैस होता है, पंजेंट डेसिमल होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होता है 200 केल्विन और 240 केल्विन के अप्रॉक्स होता है रेस्पेक्टिवली। सॉलिड होता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में एसोसिएटेड रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, इस प्रकार से अपना वाटर मॉलिक्यूल में देखा जाता है। ठीक है, और इसी कारण जो है उसमें इसका यानी कि लिक्विड वाले में इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, कल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रॉपर्टीज, और उसके बाद ठीक है, तो चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं।